आप देख सकते हैं कि हमारा रिक्शा बिल्कुल कैसे हवा से बातें करता हुआ जा रहा था यार। 2 सीटर नहीं, 6 सीटर की बात करने वाला हूँ, क्योंकि उनका रिक्शा चल नहीं रहा है। पैसेंजर जैसे उसके अंदर बैठते तो रिक्शे में बिल्कुल भारीपन और जाम हो जाता है। देख सकते हैं आप, जैसा कि हमने इसका कवर भी उतार दिया, तो कवर भी इसका खुल चुका है, एयर फिल्टर बॉक्स भी खोल दिया हम लोगों ने, और इसका जो है ना इसका हम क्लच कवर खोलने लगे। क्लच कवर जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं, हमने इसका क्लच कवर खोल दिया, क्लच कवर में पीछे रख दूँ, क्लच कवर इसका खुल चुका है। अगर ये क्लच बॉक्स है, ये क्लच बॉक्स देख, अब बस कर भाई ने देखे क्लच प्लेट इसमें डाल के बिल्कुल एक एक्यूरेट बना दिया। अब इसमें हम ट्राई लगाने वाले हैं कि इसकी स्पीड कितनी है, वो भी आपको दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि गाइस आप जानते हैं, मेरा नाम मोहम्मद रोशन, रिक्शा व्लॉग यूट्यूब चैनल। तो वैसे मेरी आपको मालूम है गुफ्तगु रिक्शे के मामला से रहती है, रिक्शे के कमेंट्स में रहती है, क्योंकि मेरा काम ही ऑफिशियल रिक्शे का है कि रिक्शे के मामला से ही गुफ्तगु कर ली। तो इस बार भी मेरे कस्टमर आए हैं, उनका रिक्शा है 6 सीटर। तो आज मैं रिक्शे 3 सीटर नहीं, 6 सीटर की बात करने वाला हूँ, क्योंकि उनका रिक्शा चल नहीं रहा है। पैसेंजर जैसे उसके अंदर बैठते तो रिक्शे में बिल्कुल भारीपन और जाम हो जाता है। तो इस हवाले से गुफ्तगु करनी है, आइए हम कस्टमर से पहले मिलते हैं। और रिक्शा को पहले देखिए, रिक्शा है ये 21 मॉडल रिक्शा है। तो आइए हम कस्टमर से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, क्या हुआ? क्लच प्लेट खत्म हो गई। पहले तो आपका नाम? मोहम्मद खलील। खलील भाई, तो क्लच प्लेट यानी गाड़ी कर क्या रही है मसला? मसला ये है, जब सवारी बैठते भी डोन हो जाती है, फिर चलना बंद हो जाता है, फिर सवारी भी परेशान हो जाती है, हम खुद भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यानी कि गाइस, मैंने इनके रिक्शे की ट्राई लगाई है, क्योंकि इसमें क्लच प्लेट की प्रॉब्लम ना, तो चलाते वक्त वो दिखाई नहीं मैंने वीडियो, आपको मालूम है वीडियो लंबी बन जाती है, तो इसलिए क्लच प्लेट की इनकी गाड़ी में प्रॉब्लम है। तो इस वक्त इसको मैं खोलने लगा हूँ, तो आपको भी हम गाइड करेंगे और हमारे साथ आप ज्वाइंट रहिए कि देखना है किस तरह हमने इसको खोलना और किस तरह हमने इनकी गाड़ी के क्लच प्लेट लगाने। चलिए खलील भाई, आप बैठिए, हम इसको जरा खोलते हैं और चेक करते हैं क्या मसला है। तो गाइस देख सकते हैं आप, जैसा कि हमने इसका कवर भी उतार दिया, तो कवर भी इसका खुल चुका है, एयर फिल्टर बॉक्स भी खोल दिया हम लोगों ने, और इसका जो है ना इसका हम क्लच कवर खोलने लगे। क्लच कवर खोलेंगे क्योंकि एयर फिल्टर बॉक्स इसलिए खोला है कि इसको हम लोगों को क्लच कवर खोलने में परेशानी नहीं होगी हमें। तो आइए गाइस, जैसा कि इसका क्लच कवर खुल जाए, हम फिर आपसे गुफ्तगु करेंगे। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं, हमने इसका क्लच कवर खोल दिया, क्लच कवर में पीछे रख दूँ, क्लच कवर इसका खुल चुका है। अगर ये क्लच बॉक्स है, ये क्लच बॉक्स देखिए, जब इसे हम खोलेंगे, डिसअसेंबल करेंगे क्लच बॉक्स को, और जब इसकी हम फिटिंग करेंगे वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। तो आप हमारे साथ रहिए। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसका जो क्लच बॉक्स डिसअसेंबल कर दिया, तो आप ये लेवल भी देखिए, इसका बिल्कुल आउट हो चुका है, यानी कि क्लच प्लेट इसकी रेस कर गई थी। अब इसे हम हाउसिंग को खोलेंगे, जैसे हाउसिंग इसकी खुल जाए, फिर इसमें हमने चेक करना है कि इसमें मसला क्या है, किस वजह से ये ख़राब हुई थी। तो आइए हमारे साथ आप। तो देखिए अब गाइस, हमने हाउसिंग जो है ना वाइस में इसको जो है ना पकड़ कर लिया, अब हम इसे खोलेंगे, तो जैसे ये खुल जाए तो
फिर आपसे हम मिलते हैं कुछ देर अड़का दे अब बस कर। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हाउसिंग भी हमने खोल दी, डिसअसेंबल कर दी। तो इसे देखिए अब हम इसे चेक करने वाले हैं कि इसके अंदर मसला क्या है। वो तो ख़राब हो गई थी प्लेटें, ये देखिए प्लेटें इसकी बिल्कुल जल चुकी हैं, स्मेल सी आ रही है इसके अंदर से, जल गई प्लेटें इसकी ना, जल चुकी हैं इसकी प्लेटें, स्मेल सी आ रही है आप देख सकते हैं। तो अब इसकी हाउसिंग हम चेक करने वाले हैं, पहले मैं इसको साफ़ कर दूँ हल्का सा। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं इसकी हाउसिंग भी कट चुकी है, ये देखिए आप लकीर पीछे इसकी हाउसिंग कट गई, तो ये वाली साइड भी इसकी कट चुकी है। देखिए गाइस तो इसके अंदर हाउसिंग बिल्कुल नया डलेगा, ये कट चुका है क्योंकि प्लेटें इसकी स्लिप मारने लगी थी, जब इसकी प्लेटों ने स्लिप करना शुरू कर दिया तो हाउसिंग को काट दिया, हाउसिंग कट चुकी है। तो हम इसमें हाउसिंग और फ्लैश प्लेट प्रेशर प्लेट नया डालेंगे, फूल और स्प्रिंग, ये वाला फूल और इसके स्प्रिंग हम पुराने लगाएंगे। तो आप देखिए हमारे साथ होगा भी मेरे लिए। तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं इसके अंदर हम हाउसिंग हम लोग नया डालने वाले हैं, इसका हाउसिंग कवर हम लोगों ने नया डालना है, ये इसके साथ साथ ये क्लच प्रेशर प्लेट और ये क्लच प्लेट। तो मैं इसमें चेक कर लूँ कि कंप्लीट इसमें बैठती है या नहीं, यानी कि इसके अंदर फिटिंग कैसी आ रही है, कम्प्लीट है फिट है तो फिर हम गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कैमरा मैन अगर करीब करें तो लेवल इसका बिल्कुल बराबर हो चुका है इस जगह, यानी कि ये फिट आई है। तो हम जैसे इसमें इसको कंप्लीट फिट करें हाउसिंग को, फिर हम पीछे के अंदर बिठाएंगे तो आपको दिखाएंगे कैसी है कैसी नहीं है, कैसे कंप्लीट करना है इसको, तो आप हमारे साथ ज्वाइन करिएगा। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा क्लच बॉक्स इसका कंप्लीट हो चुका है, हाउसिंग को हमने कंप्लीट कर दिया, अब हाउसिंग हम लोग फिट करने लगे असेंबल करने वाले हैं कि किस तरह होगी, तो आइए आप देखिए हमारे साथ रहिए। हल्का सा दूसरी साइड पर बॉक्स इसका कटा हुआ था, इसलिए मैंने इसकी क्लच प्लेट सीधी लगा दी, तो क्लच प्लेट मैंने घुमाई थी। एक मुगा पेचकस लाना ध्यान, तो गाइस आप देख सकते हैं जैसे कि हमने इसका क्लच कवर बिठा दिया, क्लच कवर बिठाने के दौरान आपने एक चीज़ देखनी है, ये देखिए जैसे हमने क्लच कवर इसका बिठाया, इसका ये वर्म इसका बिल्कुल सेंटर में नहीं आना चाहिए, हल्का सा साइड पर होना चाहिए, यानी कि ये क्लियर है। जैसे हम इसके नट बोल्ट लगाएं फिर आपसे हम देखें।
तो गाइस आप देख सकते हैं जैसे कि हमारा रिक्शा कंप्लीट हो चुका है, पानी भी इसमें डाल दिया, ऑयल भी डाल चुका है, अब हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। माशाल्लाह स्टार्ट भी हो गया हमारा रिक्शा, आप देख सकते हैं स्टार्ट है, आपने चेक कर लिया यानी कि रिक्शा भी बिल्कुल स्टार्ट है, आपने चेक कर लिया। तो अब हम इसको पहले चेक करने वाले हैं, गियर लगाना आप उस तरफ से, यानी कि रिक्शा का गाइस हमारा रिक्शा जो है ना बिल्कुल क्लियर है। आपके भाई ने देखे क्लच प्लेट इसमें डाल के बिल्कुल एक एक्यूरेट बना दिया। अब इसमें हम ट्राई लगाने वाले हैं कि इसकी स्पीड कितनी है, हम वो भी आपको दिखाएंगे। अब हम तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा रिक्शा कितनी स्पीड पे जा रहा है, बिल्कुल गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा रिक्शा बिल्कुल कैसे हवा से बातें करता हुआ जा रहा था यार, बेहतरीन यार, यकीन करो रिक्शा ऐसा हो चुका। अगर आप लोग यहाँ पे होते तो हम चला के पीछे बिठा के ट्राई लगा के चेक कराते कि रिक्शा कैसा बिल्कुल तितली की तरह तैरना शुरू हो गया यार। आप देखिए, तो सबसे पहले आप अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपसे, अल्लाह हाफिज़।